बड़ा पुष्टको मंजर है। और मुल्क भर में आज शायर मशरिक मुफक्कर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश कौमी अमली जज्बे से मनाया जा रहा है। सरकारी हिंदी सतह पर अल्लामा इकबाल की शख्सियत किरदार अफकार के हवाले से खसूसी तकरीबात का अहतमाम भी किया गया है। इस वक्त आप राज देख सकते हैं, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब जारी है। मुल्क भर में आज शायर मशरिक मुफक्कर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश कौमी अमली जज्बे से मनाया जा रहा है। इस वक्त गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब इस वक्त मज़ार इकबाल लाहौर में जारी है। ये मनाज़िर आप बराह रास्त देख सकते हैं। इस वक्त मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की सादा मगर पुरवकार तकरीब जारी है। आप इस वक्त शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 134वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब जारी है। पाक बहरिया का चाको चौबंद दस्ता रेंजर्स की जगह गार्ड्स के फराइज संभालेगा। नाज़रीन अपनी मनाज़िर बराह रास्त देख सकते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर इस गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब जारी है और आज पाक बहरिया के जो चाको चौबंद दस्ता है वो आज गार्ड्स के फराइज सर अंजाम देंगे। मुल्क भर में आज मुफक्कर पाकिस्तान और फलसफी शायर हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 134वां यौम पैदाइश कौमी अमली जज्बे से मनाया जा रहा है। जबकि सरकारी और निजी सतह पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत किरदार और अफकार के हवाले से खुसूसी तकरीबात का इनेकाद भी किया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की सादा मगर पुरवकार तब्दीली की तकरीब जारी है और पाक बहरिया का चाको चौबंद दस्ता रेंजर्स की जगह गार्ड्स के फराइज संभालेगा। इस वक्त मनाज़िर मज़ार इकबाल के बाहर के आप देख सकते हैं।
यहाँ पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब जारी है। पाक बहिया के चाक और चौबंद दस्ते ने पहले मज़ार इकबाल में सलामी दी है और इससे पहले फराइज सलाम दे रहे थे पाकिस्तान रेंजर्स, और आज गार्ड्स की तब्दीली के बाद पाक बहिया ये फराइज सर अंजाम देगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब जारी है। मुल्क भर में आज शायर मशरिक मुफक्कर पाकिस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश कौमी मिल्ली जज्बे से मनाया जा रहा है, और आज सरकारी और निजी सतह पर अल्लामा इकबाल की शख्सियत किरदार और अफकार के हवाले से खसूसी तकरीबात का अहतमाम भी किया गया है। ये मनाजिर आप मज़ार इकबाल के देख सकते हैं। यहाँ पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार मगर सादा तकरीब जारी है, और पाक बहरे का चाको चौबंद दस्ता रेंजर्स की जगह अपने फराइज आज संभालेगा। पाक बहरे का चाको चौबंद दस्ता रेंजर्स की जगह गार्ड्स के फराइज संभालेगा, और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 134वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। लाहौर समेत मुल्क भर में इस हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात और सेमिनार्स का इनेकाद भी किया गया है, जिसमें अल्लामा इकबाल की शख्सियत किरदार और अफकार के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू होगी। नाज़रीन मुल्क भर में आज शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 134वां यौम पैदाइश कौमी और मिली जज्बे से मनाया जा रहा है, और आज सरकारी और निजी सतह पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत किरदार और अफकार के हवाले से खुसूसी तकरीबात का अहतमाम भी किया गया है। अब से कुछ देर पहले एक तकरीब जारी थी जो कि मज़ार इकबाल पर जारी थी, और यहाँ पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब ये तकरीब इस वक्त भी जारी है, और यहाँ पर पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ता वो रेंजर्स की जगह आज फराइज संभाल